बजट सत्र जो है वो आज शुरू हुआ। गवर्नर साहब, राज्यपाल महामहिम का अभिभाषण हुआ। अभिभाषण में जो है वो सरकार द्वारा अभिभाषण जो किया जाता है वही राज्यपाल महोदय जो है वो करते हैं। सारी चीजें जो है झूठ है। और आज आप लोग जान रहे हैं पहला दिन जो होता है शोक सभा, अंत में जो है जो माननीय सदस्य का निधन हो जाता है तो शोक के लिए 2 मिनट का मौन सभी सदस्य जो है वो रखते हैं। कल के बैठक में हम लोगों का प्रस्ताव था सभी विपक्षी दल का कि किसान आंदोलन में लगभग 260 लोगों से भी ज्यादा किसान जो है शहीद हुए हैं, लेकिन अब तक जो है मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी खामोश है, चुप्पी साधे हैं। हम सब लोगों का प्रस्ताव था कि कम से कम उनके शहादत पर इस आंदोलन में जो उनकी मृत्यु हुई लगभग 260 से भी ज्यादा किसानों की, तो हम लोग कम से कम उन सभी किसान भाइयों के लिए 2 मिनट का मौन सभी साथी हम लोग रखे। ये साफ दर्शाता है, सदन में भी आप लोगों ने देखा होगा कि हमने इस बात को जब सारी कार्यवाही खत्म हो गई स्थगन करने से पहले हमने स्पीकर साहब से भी कहा कि कल के प्रस्ताव पर आपका क्या है, तो साफ तौर पर जो है नकार दिया गया। यानी ये साबित करता है कि बीजेपी और नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है वो किसान विरोधी पार्टी है। बिहार में राज्यपाल ने अभिभाषण में बोला कि धान की खरीद हो रही है, लेकिन कहीं भी कुछ खरीद नहीं हो रहा जिस हिसाब से होना चाहिए। जो 1800 रुपए मूल्य जो होना चाहिए, जो MSP जो होना चाहिए, वो किसानों को उस रेट पे नहीं खरीदा जा रहा है, बल्कि उससे भी सस्ते दामों पर, आधे दामों पर, कहीं 700-800 रुपए में धान की खरीद हो रही है, जिससे किसानों की स्थिति जो है दयनीय होती जा रही है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि अगर विपक्ष, हम लोग अगर आवाज नहीं उठाते तो ये बजट सत्र जो है मात्र 2 से 3 दिनों में ही खत्म कर दिया जाता। इसलिए हम लोगों ने आवाज उठाई ताकि जनता के सवाल को हम लोग, जो लोकतंत्र का मंदिर है, सभी जनप्रतिनिधि जो है बिहार के 12.5 से 13 करोड़ जनता की आवाज को हम लोग विधानसभा में उठा सके। और आज मैट्रिक का परीक्षा चल रहा है, जहां 10वीं क्लास का सोशल साइंस का पेपर जो है वो लीक हो गया। आप बताइए, विपक्ष के नेता को जानकारी हो रही है कि सोशल साइंस का पेपर लीक हो गया, लेकिन सामने बैठे हुए शिक्षा मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को ये जानकारी नहीं है कि पेपर लीक हो गया। अब आप बताइए कि कैसे ये सरकार चला रहे, जिनको ज्ञान नहीं है। और ये तो बिहार अद्भुत है इस मामले में, कौन सा ऐसा परीक्षा है जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो? कोई ऐसा एग्जामिनेशन हो, चाहे नियुक्ति का हो, चाहे बोर्ड परीक्षाएं के हो, ऐसा कोई परीक्षा नहीं जिसका पेपर, या कोई सब्जेक्ट नहीं जिसका पेपर जो है लीक नहीं हो पाता। ये पूरा कॉकस है और इसमें पूरी तरीके से सरकार जो है, जो लोगों का हाथ है, जो कल्प्रिट है, उनको पास्ट में भी, इतिहास में भी उन्होंने प्रमोट ही किया है, सजा नहीं दी है। कई बार ये मसला सामने आया, कल जो अधिकारी बैठा था जो कल्प्रिट था उसको प्रमोशन मिला। ये गवाह, लोगों के पास सबूत है, लेकिन ये क्या ऐसा चक्कर है कि बार बार सोशल साइंस या अन्य कोई परीक्षा हो उसका पेपर लीक करता है? तो कोई ना कोई जवाबदेही तो बनेगी। अब हमने सूचना दिया तो कम से कम
एक नैतिक जिम्मेदारी होने के नाते मुख्यमंत्री को सदन को एड्रेस तो करना चाहिए था, बताना तो चाहिए था कि उनको सूचना क्यों नहीं मिली। अगर सूचना थी तो उन्होंने छुपाई क्यों, क्या कार्रवाई की? ये तो हम अपने बिहार के छात्रों छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम अपने भविष्य के साथ, आपके भविष्य के साथ बिहार सरकार जो है खिलवाड़ करने का काम कर रही है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इसकी जो है कड़ी जांच हो, और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, सरकार जो है जवाबदाही जो है वो तय करनी चाहिए। और हमको तो पता है कि नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा जो है बंगाल के खाड़ी में डूब मरी है। अब अंतरात्मा जागने वाला नहीं, नैतिकता जागने वाला नहीं है। अब वो राज्यपाल आवास जाकर के इस्तीफा नहीं देंगे, उनका शर्म मिट चुका है, आग का आंसू जो है वो सूख चुका है, उनको चिंता।